नमस्कार दोस्तों, आपका टोटल स्ट्रेटजी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों, आज के टेक्निकल फंडामेंटल शेयर रिव्यू में हम देखेंगे गैब्रियल इंडिया लिमिटेड के ऊपर। तो आइए चलते हैं कि ये हमारे लिए पोर्टफोलियो में किस तरह से हेल्दी रिटर्न्स दे सकता है, तो इसके में हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे। पहले दोस्तों, मैं आपको एक ब्रीफ कंपनी के बारे में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, ये पर्टिकुलर जो कंपनी है, ये सेक्टर आती है ऑटो एंक्लेरी के ऊपर के अंदर। तो एक छोटा सा ब्रीफ देखते हैं। गैब्रियल इंडिया जो स्टार्ट हुई थी, इसकी ऑपरेशन 1961 से, और इसकी जो पहली फैक्ट्री थी वो मुलुन मुलुन में थी, मुंबई में बेस्ड। इसके बाद द कंपनी हैज़ पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और कंपनी के काफ़ी वाइडेस्ट रेंज है राइट कंट्रोल प्रोडक्ट्स, जो इंडिया जो एक लीडरशिप पोजिशन पे स्टैंड करती है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एज अ प्रोड्यूस एंड सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी राइट कंट्रोल प्रोडक्ट्स फॉर द इंडियन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, पार्टिसिपेटिंग इन ऑल सेगमेंट्स लाइक एग्जाम्पल पैसेंजर कार्स, यूटिलिटी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड टू व्हीलर्स। इट प्रेजेंटली हैज़ 6 प्लांट विद टोटल मैनुफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ ओवर 10 मिलियन शॉक एब्जॉर्वर, स्ट्रट्स एंड फ्रंट फॉक्स। तो दोस्तों, ये इसका मेन प्रोडक्ट है। उसकी जो है 10 मिलियन शॉक एब्जॉर्वर, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। द कंपनी कैटर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेगमेंट्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स, रिप्लेसमेंट मार्केट एंड एक्सपोर्ट फॉर एप्लीकेशन इन 2, 3 एंड 4 व्हीलर्स एज वेल एज फॉर द इंडियन रेलवेज। साथ ही साथ द कंपनी हैज ओवरसीज मार्केट एट यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, एशिया, पैसिफिक, चाइना, रशिया एंड फारेस्ट। अलॉन्ग विथ इन एडिशन, ये कंपनी ऑलरेडी टैप विथ केवाईसी कॉरपोरेशन, जापान एज अ स्पेन एंड एसक्यू फॉर हाइड्रोलिक सिस्टम्स। सो अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ये जो कंपनी है, हर चीज़ के लिए प्रोडक्ट इनोवेटिव। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हमेशा ऐसे कंपनीज काफ़ी अच्छी लगती है जिसकी रिक्वायरमेंट नेवर एंडिंग हो। तभी ये पर्टिकुलर, जैसे आप जानते हो, व्हीकल्स पर शॉक एब्जॉर्वर जो भी है, ये रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। नई गाड़ी बनने दो या फिर रिप्लेसमेंट करो। सो ये कंपनी जो है दोनों चीज़ों में एक्सपर्टाइज है, उसके साथ साथ रिप्लेसमेंट के साथ साथ सारी चीज़ों में ये है। तो इसका बिजनेस ऐसा है जो कंटिन्यूस इसकी प्रोडक्शन चलती रहती है और वर्किंग स्टाइल चलती रहती है। तो इसका एक प्रोडक्ट्स में हम, मैं आपको एक जरा से जो है, मैंने इसके वेबसाइट से गो थ्रू किया हो, तो ये दिखा रहा है कि 2 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ऑफ रोड, रेलवेज। तो इसके हमारे प्रोडक्ट इस तरह से दिखते हैं। वो एक हम एक शो मैंने किया है सस्पेंशन के हिसाब से, जो है अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स है। ये तो बहुत कम प्रोडक्ट्स मैंने शो किए हैं, इसके काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। इसके कस्टमर बेस के हम बात करेंगे तो दोस्तों, इसके काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, अशोक लेलैंड, बजाज, फोर्स मोटर्स, टॉप कंपनी जो आज के लीडिंग सेक्टर होते हैं ऑटोमोटिव में, उसमें काफ़ी इनके सारे ऑलमोस्ट क्लाइंट्स। अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स, वॉक्सवैगन, टीवीएस, तो ये ओवरऑल सारे के सारे मोस्टली हमारे टॉप लीडिंग कंपनीज के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसको ये टॉप प्रोडक्शन इनको सप्लाई करता है। तो आइए चलते हैं, हम अभी इसके प्योर फंडामेंटल के हिसाब से देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ओनरशिप की, इसकी ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सही रेट है जिसमें आप हमें एंट्री करने के लिए मिल सकता है। एफिशिएंसी भी थी अच्छी है, फाइनेंशियल्स वीक है, बट ठीक है, जिस हिसाब से बाकी केस में है इसे हम एक नज़रअंदाज कर सकते हैं। और भी सेक्टर है, बट इसके कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में आते हैं, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। जब हम बात करते हैं कंपनी एसेंशियल्स की, तो मार्केट कैपिटल जो है वो है 1860 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है 1816 करोड़। अगर हम बात करते हैं इसकी डेप्थ की, तो दोस्तों देखिए, डेप्थ इसका काफ़ी कम है। कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेप्थ किस तरह से है, तो काफ़ी कम है। जो फिर उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो 55% है, जो काफ़ी अच्छा है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स के बाद आता है पब्लिक होल्डिंग, जो अच्छी बात है। ये आज का प्राइस है, जो आज के दिन 132 का हाई गया है,
लो है 128.75 और 52 वीक हाई है 134.95 और 52 वीक लो है 81.20। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो इसमें बताया है कि इसके फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेज जीरो है, प्रमोटर्स 55% है, पब्लिक होल्डिंग 34.6 है, बाकी DII FFI मिला के बाकी के अदर्स इसके अंदर होल्डिंग्स है। अगर हम दोस्तों इसकी डिलीवरी बेस की क्वांटिटी देखेंगे तो देखो काफ़ी पिछले इससे अगस्त से आप देखोगे 34% की डिलीवरी होल्डिंग हुई है, 47 की हुई है, 46.5, तो इस तरह से कंटिन्यूसली पिछले अगस्त से काफ़ी रेगुलरली इसमें हैवी डिलीवरी एड ऑन होती जा रही है। तो दोस्तों एक ये काफ़ी एक अच्छा प्लस पॉइंट भी आता है। जुलाई के इसमें देखेंगे 37 अभी तक जो आज की तारीख है 16 तारीख, तो उसमें सिर्फ 37% की डिलीवरी होल्डिंग इसके अंदर हो चुके हैं। तो आगे देखते हैं कि किस तरह से और एड ऑन्स होते हैं या डिलीवरी वो एग्जिट होते हैं पूरे जुलाई एंड के बाद हमें पता चलेगा। बट ओवरऑल अगर हम इसकी पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से जो देख रहे हैं उस हिसाब से ये लग रहा है एक अच्छी डिलीवरी एड ऑन होती जा रही है और ये प्योर लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी एक अच्छा बेनिफिट इसके अंदर नज़र आएगा। तो दोस्तों मेन जो हमारा टेक्निकल पे आते हैं तो कंपनी के टेक्निकल के हिसाब से जब देखते हैं तो दोस्तों टेक्निकल में एक चीज़ मैं बहुत फोकसली देखता हूँ कि कंपनी कितनी लिस्टेड ओल्ड है, ठीक है, मतलब एज पर लिस्टेड कंपनीज में। तो ये काफ़ी 2000 से देख रहे हैं कि 2000 से लिस्टेड है और काफ़ी अच्छा कंटिन्यूस परफॉर्मेंस देते जाइए है। उसके बाद सडनली ये 2017 में 200 का जो था उससे ये बाद में फिर कोरोना के सिचुएशन में आते ये तुरंत 850 के लेवल्स पे आया। तो आज अब जो है उसके बाद आने वाले सालों में जो काफ़ी डिलीवरी जो मैं आपको बात कर रहा था एड ऑन होते जा रही थी तो वो यहीं से ही एड ऑन होते 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 आज 129 पे सस्टेन कर रहा है। तो अब बात जब हम करते हैं वीकली में तो दोस्तों लॉन्ग टर्म, अब ये जो प्रीवियसली था तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें तो पता है कि ये 200 तक आ सकता है एट प्रेजेंट जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, लेकिन किस तरह से आएगा तो आइए हम वो चीज़ों का एक वीकली टाइम फ्रेम। तो दोस्तों पहले तो बता दूं कि लॉन्ग टाइम बेसिस पे या शॉर्ट टाइम बेसिस के लिए ये परफेक्ट एंट्री है जो आप एंट्री कर सकते हो। मेरी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है जो इसमें मैंने 128 के लेवल से एंट्री कर चुका हूँ। तो दोस्तों 128 से अगर कोई मान के चलिए सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट भी करता है, जो स्मॉल रिटर्न्स मोस्टली जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप वो सोचिए कि सिर्फ 10,000 भी आप डाल के रख दोगे इसके अंदर तो ईजिली आपको 10% से लेके 50% इसके अंदर आपको एक मोमेंटम मिल सकते हैं। तो इसमें मोमेंटम कैसा है करंट मार्केट में, मैंने करंटली मेरी पोजीशन ली है, अगर आपके हिसाब से तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ले लीजिएगा और 10,000 इन्वेस्टमेंट एक माइनर इन्वेस्टमेंट है जो अच्छे से आपको एक इसमें मोमेंटम मिल सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसमें तो इसमें तेज़ी कब कब एक्सपेक्टेड है तो इसमें मैं आपको बता दूं जैसे ही ये 136 के ऊपर सस्टेन शुरू होगा तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो है 157.50 एंड देन उसके बाद आता है 201.90। तो लगभग 202 या 200 रुपये का पकड़ के चलिए तो लॉन्ग टर्म टारगेट 200 दोस्तों इसके अंदर 200 रुपये का है। एंड देन जो काफ़ी समय लगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंटली नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बात करते हैं शॉर्ट टर्म की तो दोस्तों 10% से लेके 30% जो है इजीली आपको 1 मंथ तक एक एक्सपेक्टेड है जो हमें मिल सकता है, ठीक है, 1 वीक से 1 मंथ तक एक एक्सपेक्टेड रेंज मिल सकता है। आप अपने हिसाब से सबसे बेस्ट होता है कि मोस्टली ट्रेडर्स और इवन मैंने देखे हैं बड़े से बड़े ट्रेडर्स भी स्टक हो जाते हैं कि कौन से लेवल पे बुक किया जाए टारगेट्स को। तो दोस्तों सबसे बेस्ट है आप अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहिए, रिवाइजिंग स्टॉप लॉस से एक अच्छा आपको पोटेंशियल भी मिलता है और आपके इन्वेस्टमेंट भी सेफ होती है और प्रॉफिट भी गेनिंग। क्योंकि क्या होता है अगर मान के चलो मैंने बहुत जनों से देखा है सुना है कि जब उनको मिलता है लाखों का प्रॉफिट बट क्या होता है वही चक्कर में कंफ्यूज होके वो लोग बैक स्टेज में आके फिर वो लॉस में एग्जिट करना पड़ता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस रिवाइज करने से आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ होता है, साथ ही साथ आपने जो
टाइम इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको एक होता है। दोस्तों टेक्निकल में टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मनी आपको इसके अंदर मिलता ही मिलता है, लेकिन आप टाइम को जिस हिसाब से यूज़ करोगे वो आपके लिए तभी इम्पोर्टेंस नज़र आती है। मेरे लिए एक एक दिन का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि एक दिन भी अगर कोई स्टॉक स्टक हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे वो एक दिन की प्रॉफिट हो गई, क्योंकि मेरी जो पहचान है कि दिन में ही 5 to 10% बूस्टअप करना, तो मैं हमेशा वो स्टॉक को ऑब्जर्व करता हूँ जो एटलीस्ट 1 वीक के अंदर ही जिसकी पोटेंशियल 5% to 10% ही बूस्ट किया जाए। तो आइए इसमें हम डे टाइम फ्रेम के लेके ऊपर चलते हैं। तो डे टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे हो एक अच्छा कर्व पैटर्न बना हुआ है, तो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया मेरी इन्वेस्ट जो है 128 से बाइक ही हो चुकी है, लेकिन अब इसमें जैसे ही 136 के ऊपर आएगा, आज का जो मैंने आपको बताया था जो 132 के हिसाब से हाई मारा है, तो ये जैसे ही 136 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा आपको जल्द से जल्द 160 इसका टारगेट है एंड देन 202 इसका टारगेट है। तो दोस्तों ये थी हमारी टेक्निकल फंडामेंटल शेयर रिव्यू ऑन गैब्रियल इंडिया पे। आई होप अगर आपको दोस्तों पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता जाए। तो दोस्तों अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।